awaited name, Ivanka Das, ma'am. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मुश्किल जो चीज़ें हैं मैंने उसको पार करके हासिल की है. तो सिर्फ फर्क ये है, बहुत लोगों ने देखा नहीं है, तो शायद मैं हर लोगों के पास जाके बोल नहीं सकती. नाम ना मुझे जानिए. सो आई हैव गॉट वेरी लवली कैरेक्टर जहाँ पे मैं असलियत दिखा सकती हूँ. वो टाइम वेरी ट्रू मैम, आपको हम लोगों के लिए बिल्कुल मोटिवेट. So that is great. So I hope we'll be loving your character in the web series and looking forward to watch it. So same question I would like to ask from Miss Pallavi. Repeat the question. Okay, so the question was, what motivated you to like go and choose this character, and what do you think? Like, why are you in this role? What motivated you? The first reason is, मैंने सुना भी नहीं था, and when Ashu ji called, there is no way to say no. मतलब उनके dictionary में ना नहीं. It's like all about yes, yes, yes. और मैं मतलब ये हाँ करने के बाद मैंने आपकी story सुनी है. So and it was really good. Like बहुत अलग है. मतलब एक simple सा जो लड़की थी, मैं story नहीं बता सकती ना. बहुत सिंपल लड़की होती है, क्योंकि मैं हूँ इनोसेंट सा चेहरा उसका. वो एक ऐसे सलून में जाती है, मतलब वहाँ पे ऐसे ट्रांसजेंडर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं. वो देख के उसको मतलब रियली अ शॉकिंग सिचुएशन, लाइक ऐसा उसने कभी नहीं देखा था. बस मैं लड़की लड़की से प्यार करती है ऐसा वाला, मतलब नेवर. बट वो खुद भी कंफ्यूज रहती है कहीं ना कहीं कि मतलब वो जिंदगी में क्या चाहती है, खुशी या मस्ती. तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा हैशटैग मंडे. वो जोरदार तालियां. सर सेम क्वेश्चन आपसे भी रिपीट. मैं यही कहूँगा कि जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना था और आशु से मेरी जब पहली मीटिंग हुई थी, तो आई थिंक एक अब नाम मिस कर रहे हैं, वो है हमारे डायरेक्टर साहब का अभय, जिन्होंने जिनसे मैं पहली बार मिला था और जब उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे नरेट की थी. क्या तो मुझे हुआ है. तो जब मैं उनसे मिला था और जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे नरेट की थी, तो मैंने उसी वक्त उनको कह दिया था कि आई विल लव टू प्ले दिस पार्ट. एंड ग्रेट कूज टू हिम, आशु एंड अक्षय, थैंक यू सो मच. एंड
it's an honor. Sir, can you be a huge round of applause? Yes, sir, so एक additional question है. So ये role play करते समय आपको कुछ challenge लगा? Other than आपने जो भी roles पहले किए होंगे उससे? Challenging तो नहीं था क्योंकि मैंने जो पहले भी जो काम किया it was quite similar to that part. But yes, as she mentioned कि it's a love story. जिस तरह वो एंड होती है, there are a lot of twists and bahut se twists हैं. So उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा. But yes, it was really nice working with all of them. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. So अब मेरा next question है, वो भोसले सर के लिए है. तो सर मैं पूछना चाहूंगी, अभी तक आपने इतने सारे एजी शोज किए हैं, तो फिर ये है हैशटैग मंडी क्यों? मेरे पास आशु जी जब ये प्रोजेक्ट लेके आए तो मैंने आशु जी को एक क्वेश्चन किया था कि आशु जी आपने ये कौन सी चॉइस करके लेके किया है. तो आशु जी बोले मुझे कुछ दुनिया में कुछ अलग सा होता है वो दिखाना है. और आशु जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको हैशटैग मंडी में दिखाने की अच्छी से कोशिश की है. तो आशु जी ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी है मेरे पास में बैठे हुए ऐसा लग रहा करके भाई बहन. पास में बिठाने के बाद तो ऐसे लग रहा करके दोनों भाई बहन पक्का ही ये लेकिन ठीक है भाई बहन का रिश्ता ये अच्छा लग रहा है. ठीक है थैंक यू सर. थैंक यू सर सो मच. हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल एक अमेजिंग और नई स्टोरी के रूप में हैशटैग मंडी व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे और उसके साथ साथ एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन के रूप में भी सामने आए. नॉट जस्ट द एक्टिंग बट एज अ मोटिवेशनल इंस्पिरेशन, जैसे ये हमारे व्यूअर्स को और समाज में एक प्रभावी वे में उतरे. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आशु मैम के लिए है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मूवी मंडी से ये प्रभावित है या कैसे है, मतलब कुछ रिलेशन है? श्याम जी को साथ तुलना करना नॉट पॉसिबल. What I will say that Mandi में भी काफी सारी भावनाएं दिखाई गई थी और emotions. And hashtag Mandi since it's coming on OTT, हम उसे थोड़ा edgy में बता रहे हैं, लेकिन हम इस पे we are fighting for the emotions of people. We all are equals here. Stop treating them separately. कि oh this is his sexual preference or this is her sexual preference. हमें वो नहीं करना. What is their choice in life is their choice, but we are normal and we all have emotions and we all go through happiness and sadness in life. That's what we have come to in hashtag. In fact, I think we should say we are not normal. I think body सबके पास है. चार दरवाजे के पीछे में करने से अच्छा जो चीज हम सहते हैं वो देखते हैं वो दिखाओ ही. कब तक 21st सेंचुरी है और ये इंडिया है, बिछड़े हुए देश से बाहर निकलना चाहिए. मैम आपसे आपके हाथ में माइक है तो आपसे एक और क्वेश्चन. व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे हजम करो. Actually everything, because हमारे जो director थे वो इतने comfortable थे और हमको लगा ही नहीं है, मतलब we do have a love making scene, right? So हम इतना comfortable way में shoot किए, मतलब वो हमें आके पूछे कि तुम कितने में comfortable हो, and मतलब it's all according to that. तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको शो में सबसे, जैसे मुझे आपका हेयर कलर अट्रैक्ट करा, आपको शो में सबसे अट्रैक्टिव क्या लगा? जो मेरे साइड पे अभी बैठी है, शी इज एन एब्सोल्यूट कैमरा
था सो लड़कों से पूछ लेना तो ऑब्वियसली नहीं जोक्स अपार्ट एक्चुअली सबका परफॉर्मेंस अपने आप में ही उन्होंने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है और स्टोरी ही इतनी चैलेंजिंग है जैसे बार बार हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग वही पूछ रहे हो कि बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है तो आई थिंक एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है उस स्टोरी को एक्सेप्ट करना और वैसे दिखाना फियरलेसली कैमरे के सामने वो चीज़ को लाना तो a huge round of applause for all the on-screen performers we have. Oh. Ivanka ma'am, ये आपकी पहली web series है. जी. So आपको क्या सोचा आपने कि आप web series क्यों करना चाहती हैं and आपका ये debut हो रहा है तो क्या challenges आए? Because I think web series आप first time कर रहे हो तो there would be few challenges जो आपके across आए होंगे because you are maybe like you are a very good dancer you are a model but web series में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो challenges face हुए होंगे कहाँ से शुरुआत करूँ वो पता नहीं चल रहा मगर हाँ जरूर करूँगी पहली बात तो मैं जब पैदा हुई थी अपने आप को सोच रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ where I can you know be like the way I am और वो सिर्फ मैं ये चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँ वो सिलसिला कुछ अजीब था कि मैं डांसर बन गई मॉडल बन गई मगर अच्छा था जो सिलसिला था एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अब बात ये है कि मुझे ये मौका कैसे मिला इट जस्ट ऑल क्रेडिट गोज टू आई थिंक बट आई वुड सी लाइक अक्षय गॉट ऑफ दिस बिकॉज वी यूज टू डू लाइक सम थिएटर के लिए हम सिलसिले में कहीं मिले थे एंड वी बिकम फ्रेंड्स नाउ तो मेरे पास बहुत अकेले के तीन प्रोजेक्ट है तो इत्तेफाक बस सो कोइंसिडेंस एंड ही ऑफर में ये वाला पहला रिलीज हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ही सेड व्हाई वी सजेस्ट एनी अदर फॉर दिस पर्टिकुलर किंग और रोल कैरेक्टर तो आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड ट्रांस शी इज नाउ तो अभी क्यों नहीं बात उसी सिलसिले में भी मस्ट बी पीपल लॉट ऑफ पीपल नोज अबाउट बिकॉज इट्स किंग्स ऑन ऑल पोर्टल्स सो इट्स इस सिलसिले में और बात रही क्यों किया है मैंने और पूछा मैं नेशनल अवार्ड लेना है सिर्फ इसलिए ऑल द बेस्ट हम बिल्कुल प्रे करेंगे कि आपको नेशनल अवार्ड मिले एंड उसके लिए थोड़ा मेहनत कर लूंगी वो कर लूंगी एंड हम बिल्कुल आपको अब तो हॉलीवुड में देखना चाहेंगे वो तो बहुत प्रॉब्लम होगी आई विल डेफिनेटली विल प्रे अबाउट इट एंड आपका ऑलरेडी जो प्रोमो है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का प्रोमो है सो बट आई वुड लाइक टू से समथिंग प्लीज गिव मी दैट परमिशन सो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने सारे लोग हैं कोई लोग मुझे जानते हैं और कोई नहीं मुझे उसका मतलब आई रियली डोंट फील बैड अबाउट ऑफ इट आई आई शुड नॉट फील बैड अबाउट ऑफ इट इवांका दास मतलब भगवान दयालु है गॉड इज प्रेशियस नाम बेशक मैंने रखा था मगर इस नाम को बनाने वाला एक ही शख्स वो है Mr. Keshav Suri, founder of the director of this Lalit Suri, please एक बार उनके लिए ताली बजाएं। आज उन्होंने आज आपके तक पहुंचने का reason it's a formal मैं बंगाली में बोल रही हूँ माश की चलो सामने वाले को थोड़ा सा मीठा बोल दो because वैसे I'm not known as a मीठा वाली I'm very straightforward so the thing is उनके वजह से जो मैं हूँ आज वही हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं सबके सामने बोलने के लिए दो वक्त की रोटी हो और छत हो बिकॉज ही इज ओनली वन एंड ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवरी वन दोज आर फ्रॉम आर कम्युनिटी एल जी पी टी क्यू आई कम्युनिटी बिकॉज ही डिड रियली गुड फॉर अस स्पेशली ही रन्स केशव सूरी फाउंडेशन एंड पर्टिकुलर थ्रू फाउंडेशन उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बहुत लोगों को हर चीज़ों से बाहर निकाला है जैसे केशव सूरी फाउंडेशन वर्क्स फॉर एसिड विक्टिम्स इनफैक्ट टू अस आल्सो जिन लोग ट्रांसफर वुमेन हैं जिन लोग प्रिविलेज नहीं है इवन दे मतलब दे रियली डू वर्क फॉर देम मैं आपको यही बोलना चाहूँगी थैंक यू फॉर कि मैं ऐसे बोलूँ आप लोग भी इसी फील्ड में हो और वहीं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो प्रिविलेज हैं प्लीज़ अकेला कितना देश शामिल करें जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे आप भी शामिल हो जाओ और बनाओ अपना भी वजूद और मैं यही कहना चाहूँगी थैंक्स टू केशव सूरी फाउंडेशन एंड ललित
हॉस्पिटल पार्टनर, थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू अगेन एंटायर टीम, आपने कैसे मेरे अंदर क्या देख लिया इस तकलीफ को, बट थैंक यू. I think none of the OTT platforms in India at least have chosen this kind of subject on their platforms. So it's a new thing for us. At the same time, it is not about only boldness of the series. We have exposed a little bit from our point of view. The other part of the transgender research, what humility or what say, in a better way, how they suffer in society in a normal way. So we try our level best to expose those things. And for that, as a talent head, as a channel head, we think about the new things will definitely come first and will generate more money as well as the other things. But besides the joking, I think we have successfully given all of it. We have given whatever series we have put in. We have definitely promoted a lot of new talents as well. And we continue to do so in your future also. Thank you so much, sir, and I thank all the team. I know ये है hashtag Mandi, बहुत ही लोगों को motivate करे, viewers बहुत ज़्यादा पसंद करे, और कुछ और मैं नाम thanks करना चाहूँगी, जो कि thanks से पहले थोड़ा external support भी बहुत मिला था हमें, सुनीता जी, करीमा, संदीप, हमें कमल जी, प्लीज कम ऑन स्टेज. अब है पीछे से ही हमेशा एक्शन कट बोल रहा है क्या डायरेक्टर, कम प्लीज क्लैप फॉर इन लोग, सब इतने शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ हमें सपोर्ट करने आए हैं, नथिंग एल्स. गरिमा हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सीरीज व्हिच इज अ सरप्राइज, उसके लिए सबको देखना पड़ेगा तब पता चलेगा. एंड के प्लीज, और इवांका सर, इवांका का दो दिन पहले बर्थडे था तो एक केक कटिंग हो जाए. देवा सर के ओके, एंड नेक्स्ट पल्लवी को हाइड मत कर देना. नहीं नहीं, वो तो हम लोग हाइड वाले लोग किसी हैं, यहाँ सामने देखिए. थैंक यू. अब कुछ पर्दे के पीछे के लोग हैं सर, उनको बुलाना चाहूंगी मैं. डॉक्टर नासिर मोहम्मद, पंचोखो, मधुर जी, अभय जी, मनोज जी एंड पीके सर, प्लीज कम ऑन स्टेज वंस, प्लीज स्टेज से हमें सपोर्ट करें. पंचोखो, आई नो यू डोंट अंडरस्टैंड मच, बट दिस बेसिक याद दिलाता है, चांदनी बार की याद दिलाता है कि उसके पीछे क्या दर्द छुपा हुआ वो दिखता है. हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, किस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस पूरे सीरीज का जन्म है, आप सुनाइए. ये सीरीज का जन्म तो आशु जी ने दिया है. आशु जी ने जब ये सब्जेक्ट मेरे पास लेके आए तो आज मैं पहले कंफ्यूज था करके, आशु जी अच्छा लगेगा, तो आशु जी ने बताया करिए सर मैं एक बार करके दिखाती हूँ, एक होने के बाद मुझे बता देना कैसा लग रहा है. लेकिन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आशु जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है करके. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. What was your reaction जिस वक्त आपको बोला गया कि they want you to be a part of the, you know, you'll be leading the series, I would say, as instead of. पहले तो मैं ये बात सुन के मुझे हैरान हो गई थी, ठीक है चला आई विल डू दिस पार्ट. सो व्हेन इट कम्स अबाउट ऑफ ऑल दीज सीन्स, इजी सीन्स एंड ऑल, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, बिकॉज इन पर्सनल लाइफ मस्ट बी आई लुक वेरी मॉडर्न, वेरी बोल्ड और समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट द पर्सन एक्चुअली फ्रॉम इन साइड हु विल बी वेरी कम्फर्टेबल ऑन दोज विद दोज सीन्स एक्चुअली. तो फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि नहीं चलो इट्स ओके, बींग एन एक्ट्रेस यू सपोज टू बी देयर एंड कहीं ना कहीं यू हैव टू बी.
सो शी वॉज द ओनली वन. मुझे अभी भी याद है वो सीन पर्टिकुलर करने के लिए आई टू आवर्स. नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी. मैं मुझे नहीं होने वाला. मेरे से मैं दो घंटे ऐसे आई वॉज लाइक स्टबर्न नो आई कैन डू इट लाइक सब बंद करो बंद पैकअप दो घंटा. शी वॉज द ओनली वन काउंसलिंग मी बेबी यू हैव टू डू इट एंड शी वॉज स्टार्ट गिविंग मी ऑल दोज रेफरेंस जिन्होंने लेजेंडली जिन लोग परफॉर्म करते हैं उन लोग यस डन ओके चलो कैन यू व्हाई नॉट. सो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल सीइंग मी माई सेल्फ वॉट एवर आई डिड एज एन एक्टर. आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री इट्स नॉट अबाउट सेक्स इट्स नॉट अबाउट इंटीमेट सीन इट्स मोर अबाउट द ह्यूमन रिलेशन इट्स मोर अबाउट द इमोशन. मैंने अभी कहा था उधर कि हम लोग ने ये जो सब्जेक्ट लिया था तो थोड़ा बहुत गोल्डनेस जो उसका जो पीछे का जो उनका जो सफरिंग्स है वो भी हम चाहते हैं कि आगे लेके आए. तो एक नया सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसी के बारे में कि अगर थोड़ा सा अगर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होता है उस कैटरी की तरफ से तो भी हमारे लिए वो सक्सेस होगा जो बहुत जरूरी है. बस तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सर. टॉकिंग अबाउट प्राइम फ्लिक्स क्या मतलब कैसे डिफरेंट है अदर प्लेटफॉर्म से जैसे और भी आपने डाउनलोड किया हमारा है अभी वन थ्रू ऑल माय सीरीज अभी वन थ्रू ऑल माय सीरीज नो नॉट देखो देखो कि डिफरेंट ही है वो. अरे सही बात. दोनों जो है उसका सब्जेक्ट से ऑल डिफरेंट और अभी भी नहीं अक्टूबर तक ऐसे डिफरेंट ही मिलेगा आपको अलग से राइट. गो थ्रू ऐप ऐप डाउनलोड करा दो पहले सीरीज देखो और आल्सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ प्राइम फ्लिक्स इफ यू कैन ब्रीफ अबाउट दैट. द बिगनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड हम लोग ने कहा था कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल या वो अभी भी वही है. तो और मतलब नॉट वल्गर नथिंग लाइक दैट खूबसूरत भी दिखे और सब्जेक्ट वाइज बोल्ड राइट. ऑल्सो ये सही है बोल्ड सब्जेक्ट. ऑल्सो आप जो है सेंसिबल टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं हमने देखा तो सर कैसे मतलब चुनाव कैसे होता है कि ये हम हाउ इट गोस टू हर मैम इफ यू कैन टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ सो शी कम आउट विद डिफरेंट सब्जेक्ट. सो बेसिकली हम लोग ऐसे जब चैनल के एक सीट पे बैठे रहते हैं या फिर चैनल एक सीट देता है मतलब ऑल थैंक्स टू माय बॉसेस राकेश सर एंड किरण सर उतना फेथ दिखाते हैं मुझमें. हम लोग यूजुअली क्या होता है बहुत सारी चीज़ें सोच के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है क्योंकि फिर व्यूअर्स के बहुत फीडबैक आते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं स्पेशली जब आप कोई बोल्ड टॉपिक पे लेते हो. ऐसे नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये एग्जिस्ट करती है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता. तो प्राइम फ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. हम बनावटी तो दिखाना चाहते हैं ही नहीं कहीं किसी भी स्टेज पे. दूसरा बात यह है एज अ चैनल ऑब्वियसली हम उस यूथ के पास पहुंचना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट हम उस मास के पास पहुंचाना चाहते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है ताकि कल को उनके सामने अगर ऐसे कोई चीज आए तो रैदर देन बिहेविंग नेगेटिवली दे विल हैव द पावर टू अंडरस्टैंड कि नहीं थिंग्स लाइक दिस हैपन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. तो प्राइम फ्लिक्स का यही मोटिव है टू इट्स व्यूअर्स. आई विल ऐड ओवर हियर जो जो जनरेशन अभी है चल रहा है हम लोग का समझो जो बोली वी आर टारगेटिंग द टीनेजर्स वही फ्यूचर है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज होता है उनका माइंड अगर सेट पूरा चेंज होता है डेफिनेटली वी विल हैव अ बेटर. इनफैक्ट देयर इज समवन शुड बी देयर हु कैन ब्रेक दिस व्हाई वी ऑलवेज वांटेड टू सी द वे वी रियली वांटेड टू. जब व्हेन वी पिक्चराइज बड़े पर्दे में तब तो हम कर लेते हैं क्यों छोटे पर्दे में हम घर घर तक नहीं पहुँच सकते विच इज ट्रू. But man, big players in the market, and Netflix is there, Amazon is there, Hotstar is there. They have a decent budget for the production kind of thing. So how will you, you know, try to make a difference through your platform? हमारा फिलहाल तो सर मोटिव यही है कि हम घर घर तक पहुँचे. तो वी आर वेरी कॉन्टेंट ओरिएंटेड चैनल. हम ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही लेके जाएंगे. हमारा हमेशा ये डुअल मोटिव रहेगा. एक है सोशल कॉज को बढ़ावा देना, दूसरा है ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करना. तो टचवुड एक महीने मतलब दो महीने से हम लॉन्च हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ग्राफ स्केल एंड आगे भी वैसे ही होता रहेगा. आप लोग का प्यार मिलता रहेगा. मैम आपसे जानना चाहूँगा टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर हाईवे में हमने देखा था इसी तरह के टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया था तो आपने कुछ रेफरेंसेस लिए थे फॉर योर कैरेक्टर? जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ बट आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन द एजेस बिकॉज मैं अभी भी थोड़ी देर पहले
कि इसी सिलसिले में बात हो रही थी और बहुत ही इट्स वेरी कोइंसिडेंस रिलेटेड द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड राइट नाउ. आई लुक बोल्ड सेक्सी वेरी डोमिनेंट वुमन वेद पर्सनल लाइफ आई एम वेरी सटल वेरी सुशील बट द थिंग इज वेन इट्स कम्स अबाउट ऑफ द वेन यू गोइंग टू लीड समथिंग लीड समवेयर एल्स मैं बहुत ही ज़्यादा वो डोमिनेंट वुमन हो जाती हूँ विच इज़ आई एम देयर आई एम हेयर सो फॉर मी आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम अदर्स वेर आई रियली वॉन्टेड टू प्रिटेंड माई सेल्फ सो दिस इज माई आंसर विच इज़ आई एम तो ये बहुत ही पता नहीं कोइंसिडेंस केम टू मी कैरेक्टर तू है तो मैंने ठीक है ये तो मैं ही हूँ इतनी फर्क है एजी में नहीं हूँ एजी में नहीं या बट हाँ वो सीन के बारे में होता तो मैं हाइट ओके बिकॉज जनरली आई एम नॉट इन टू लाइक दैट ऑफ थिंग्स बस लाइक दैट When it comes about bossy thing, I'm there. Okay, कर लेगा. So I'm there. Okay, आखिरी सवाल आपसे. हाँ जी, हाँ जी. ये हाजिर जवाबी कहाँ से सीखी है आपने? शाहरुख remind me of the way शाहरुख interact with media. पूछने से पहले जवाब ready है और वो भी हरफन बोला है. अब देखिए, अब कलाकार हमने आपने आपको साबित तो कर दी है. तो अगर acting खाली screen में करूँ तो फायदा क्या? और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है जब मौका मिल गया इतने सारे मर्दों को नीचे करना सो आई एम देयर दैट्स माय कैरेक्टर मैम एक सवाल यहां पे पोस्टर देख रहा मैं पोस्टर बहुत ही कैप्टिवेटिंग लग रहा है हां जी आईडिया था बिहाइंड द पोस्टर आई वांट टू नो अबाउट दैट किसका आईडिया था कैसा था इट लुक्स वेरी कैप्टिवेटिंग ओके सो द थिंग इज अगेन इत्तेफाक से तो मैम को मैं पूछती ही रहती थी जब मुझे कास्ट किया गया तो अभी मेरा फिर और दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब जहाँ से मुझे ना खाली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलते हैं एंड आई एम थिंकिंग मुझे भी थोड़ा बच्चा वाला रोल दे दो तो इन्होंने बोले तभी बाल उगा ले सो आई सेड ओके उगा लूँगी मगर वो तो वीक भी चलेगा तो उन्होंने बोला एक्चुअली द वे यू जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो क्लोथ्स है तो कैसे कलर्स है तो मैंने बोले रेड है ब्लैक है ब्राउन है वाइट है बोले मैं तो कहाँ से सोशल लगेगी ऑल अ स्ट्रॉन्ग तो बोले यस मस्ट बी बिकॉज आई लाइक पर्सनली दोज कलर्स तो उन्होंने बोला था मुझे पर्टिकुलर तुझे वही गाउन चाहिए जो मतलब आई रियली वॉन्टेड टू सी तो उन्होंने मतलब पहन ले और खड़े हो जा एंड आई गिव ओके मैं तो बॉस लगी रही हूँ सो लेट मी गिव द एक्सप्रेशन सो इट्स केम एंड थैंक्स टू व्हाट इज नेम द फोटोग्राफर रजत ही रियली नेल्ड इट रजत नेल्ड इट कंप्लीटली थैंक यू रजत यू मेड इट एंड पोस्टर जी आपने जो प्रश्न पूछा मैंने इसीलिए श्री को लुक भी दिया हमने कुछ 20-25 पोस्टर बनाए होंगे तो ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद वो नहीं पसंद फिर लास्ट में ये निकल के आया कि यस इसमें लग रहा है कि कुछ ये तो मैं भी नहीं लग रही उसमें जो हूँ मैं चैलेंजिंग तो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है वेब का मतलब मैं एक्सपीरियंस हुई हूँ गंदी बात से तो ये अच्छी बात थी मतलब नहीं वो भी बहुत अच्छी बात थी मतलब नेम रिलेटेड मैं ये मजाक कर रही हूँ सो द थिंग इज दैट प्यार ये जो प्यार है ज़रूरी नहीं है एक लड़के और एक लड़की में ही हो सो इट कैन बी अ गर्ल टू अ गर्ल इट कैन बी अ हस्बैंड टू अ वाइफ टू अ वाइफ और अ फीमेल टू अ फीमेल एनीथिंग सो द थिंग इज दैट अवर सोसाइटी नीड्स टू एक्सेप्ट दैट क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक ये मना है मतलब देर इज नो मतलब नथिंग कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हमने बनाया है इंसान ने बनाया है तो द थिंग इज दैट मेरा जैसे ये किरदार है कि मतलब बहुत सी सिंपल सी लड़की है ये उठ के आती है एंड चारों तरफ ये सब देख के शी गॉट सरप्राइज्ड एंड वो मतलब एक अलग ही जोन में चली जाती है बट यही मतलब हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते सबके सामने अगर मैं खुद एक लड़की से प्यार भी करती हूँ तो मैं दुनिया के सामने आके नहीं बोल सकती आप भी अगर करते हो तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं है मतलब द कैरेक्टर प्लेड बाय इवांका इट्स वेरी चैलेंजिंग मतलब आई वुड लव टू प्ले दैट रोल यार शी इज शी वाज अमेजिंग देयर एंड वही हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए जिंदगी में मतलब मेरी सीमा की जो कि लड़की को भी लाइक करती है समटाइम्स लड़के को भी लाइक करती है सो इट वॉज मैं अगर पूरा बोलने जाऊँगी तो मैं बता दूंगी इसीलिए मैं ना रुक रुक के बोल रही हूँ कि कहीं मैं बोल ना दूँ स्टोरी हाँ सीरियसली तो मैं पॉज लेके बोल रही हूँ कि मैं पूरा ना बोल दूँ सो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है एंड इट्स ग्रेट I mean, as she mentioned that, you know, there are a lot of
twist and you know, a lot of triangle. You know, she's loving someone else, she's falling into someone else. Or as far as my experience concerned, I have done a few web series before. Or as far as my role in this series, it's quite similar, which I have played in the past. And as I've mentioned earlier, so with me, my connection with director is very important. So and the way we both are connected, and Pallavi, she's my love. She's seriously? My yeah. Okay. You don't know. No, Pallavi don't know. Seema knows, Seema, I guess. Seema, I guess. Yeah. So yeah, it was a very good experience. Me being a part of that series. Yeah. Because of, simply because of Ashpreet Dhaliwal ji, Ashu Dhaliwal ji, because I've started with her when in 2006 when I came to Mumbai, I did my first show for UTV Bindaas. It was called Sunyar Chilmar. I did with these characters and she was the associate producer in that. So this is how the journey started. And we both are Punjabi, so we got gel well on the set. And उनके बारे में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो decision maker हैं, वो बोल देती हैं कि ये सही है, एक बार में confused नहीं है life में. So that's what I like about her, and that is why I'm here. And then I saw her work, which I knew will gonna be good and great and different from other what people are doing, and which it is, which we all have seen now, कि इस तरह के different subjects पे काम, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इतने OTT platforms हैं और इतना content बन रहा है, audience भी confused है कि क्या देखे क्या नहीं देखे. तो उस सब के बीच में अगर कोई एक अलग सी बात कहता है तो एक आपका ध्यान आकर्षित करती है, जो मुझे लगता है कि ये फिल्म का पोस्टर ही, सीरीज का पोस्टर ही कर रहा है अपने आप में. देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मैं 7 साल का था तब मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी थिएटर से. तो मैंने 13 साल थिएटर ही किया, फिर मैं बॉम्बे आया. तो मेरे लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे OTT हो या फिल्म हो या टेलीविज़न हो, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं. अगर मैं उस तरफ आकर ऑडियंस के नज़रिए से देखूँगा तो ये सवाल वाजिब है आपका जो आपने मुझसे किया, लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं और मुझे ऐसा काम करना है जो लोगों के जहन में रहे. और बाय द गॉड ग्रेस और लोगों के प्यार की वजह से मैंने 12 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं, सिर्फ 4 शो करे हैं. बहुत लोग मुझे उसके लिए शायद बुरा भी बोलते होंगे क्योंकि मैं मना कर देता हूँ, तो समझते होंगे कि इसको ज़्यादा ही समझदारी है. पर मेरे को जितनी भी समझ आती है वो ऑडियंस ने उसका जवाब दिया है कि मेरा कोई भी शो 2 महीने में बंद नहीं हुआ. मतलब कोई 5 साल, कोई 3 साल ऐसे चले हैं और मैंने गिनती के शोज़ करे, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ऑडियंस को क्या देना है, क्या चाहती है. और मैं लकी हूँ कि ऑडियंस मेरा काम पसंद करती है. करेक्ट. खास सबसे ज़्यादा किरदार, सब्जेक्ट, जो कि अपने आप में उसका जो नाम है हैशटैग मंडी, ये है मंडी. तो बेसिकली एक इन्होंने इमोशंस की मंडी, जैसा कि आशु जी ने भी कहा कि एक इमोशन की मंडी इन लोगों ने सेट की है, जो कि दुनिया में है ही. हम हर इंसान के जीवन में कई तरह के इमोशंस हैं. अब बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं आज के इस टाइम में जब हम हैं, तो वो इमोशंस को लेकर के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे हैं. तो वो ये कहना चाह रही हैं कि वो इमोशंस आप जो हो वो खुल के सामने आ जाओ. और उन्होंने कितनी सुंदरता से कही है ये तो हमको सीरीज़ देख के पता चलेगा, तो इसके लिए देखना चाहिए सबको. अलग वक्त आ गया जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सीक्रेट गेम से लेकर अब तक एक नई क्रांति आई है और काम भी बढ़ा है. कोई एक नई क्रांति नहीं है और कुछ नहीं है. जैसे जब DD1 था तो मैं, इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली, जो मुझे समझ में आता है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर 12 ईयर्स. जब एक चैनल था DD1, लेकिन लोग तो बहुत सारे रखते हैं इच्छा काम करने की फील्ड में, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं थे. आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. वैसे ही उस टाइम पे जी सोनी आए थे, तो फिर उन लोगों को भी काम मिल गया था, फिर सब करने लगे थे, फिर बहुत सारे, फिर वही कि डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई थी. तो ये सर्कल है और जो ये चलता रहेगा. अभी की टाइम में हम जो देख रहे हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो इस वजह से क्योंकि इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और चाहिए सबको कॉन्टेंट, क्योंकि ऑडियंस तो वही देखेगी ना. तो अब
वॉर है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। तो अगर पिछले दो साल में मैं ऑब्जर्व करूं तो तकरीबन कई सौ वेब सीरीज़ या फिर वेब पोर्टल्स पे या फिल्में और चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या ऑडियंस से पूछूं तो वो चार या पांच नाम मुझे गिना पाएंगे, तो मैं उन चार पांच नामों में शामिल होना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में, जैसा राकेश जी ने भी अपने वक्तव्य में अपनी बात में कहा कि उन्होंने नया देखा इसलिए उन्होंने आशु जी को मौका दिया, तो ऐसे लोग मैं चाहता हूँ और आए जो नया देखें और मौका दें। इसी बीच में मैंने भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म अपनी ऑडियंस के लिए एज अ गिफ्ट और एज अ गिफ्ट टू माई व्यूवर्स हु हैव लव्ड माई वर्क फॉर 12 ईयर्स, आई जस्ट ट्राइड टू डू समथिंग विच हैव नॉट हैपेंड अर्लियर इन द होल कंट्री और इन द होल वर्ल्ड। तो ऐसा हमने कुछ कोशिश की है, एक फिल्म है मेथड एक्टिंग का भूत, यूट्यूब पर है, आप देखिए और लिखिए उसके बारे में आपको जैसा लगता है, हमने बस आपको एंटरटेन करने के लिए बनाया है।